लोग, आज की वीडियो में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। बाल विकास के बारे में। बाल विकास के बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। ये 1986 में दिल्ली में हुआ था, एन सी ई आर टी की मुख्यालय वैदिक शिक्षा परिषद, आप देख सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट जो दिए गए टॉपिक हैं। ये देखो यहाँ पे संपूर्ण साक्षरता अभियान दिया गया, इसके बारे में पूरा लिखा है। इधर आ जाइए आप, इधर ये देखो सर्व शिक्षा अभियान, इसमें मतलब दिया गया है इसका पूरा, आप पढ़ सकते हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, इसलिए आगे आता हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ये इसका इम्पोर्टेंट कुछ दिए गए हैं उद्देश्य इसके, ये इधर दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए आप लोग, आप यहाँ से देख सकते हैं सही से। अधिगम की परिभाषा दी गई है, स्कीनर ने दी थी जो, और गिलफोर्ड ने दी है, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, इन लोगों ने दी है। ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं। हम आपका टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी बड़ा वीडियो बना देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप रोक के पढ़ सकते हैं, आपका डाटा बचत होगा, आपका टाइम बचत भी होगा। अधिगम अंतरण ये दिया गया है यहाँ पे, उसके बाद नीचे आ जाइए। अधिगम अंतरण के सिद्धांत, अधिगम के नियम, इस प्रकार अधिगम के क्षेत्र दिए गए हैं। इनके तीन क्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब नीचे आ जाइए आप, अधिगम सिद्धांत दिए हैं इधर, अधिगम विधियां दी हुई हैं। टाइम कम होने के कारण बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, आप इसे रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002, तब उसके बाद ये देख लो आप, इसे सही से पढ़ लो। और NCLP ये दिया गया, इसे ये देख लो, इसके नीचे आ जाओ। ये स्कूल के हैं, ये पॉइंट दिए गए हैं NAAC, इसका मुख्यालय और स्थान NOS खुला विद्यालय भारतीय पुनर्वास परिषद। यहाँ देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद का दिया गया है पूरा, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं अब। स्कैनर्स की दिए थान डाइक प्रयास बोल सिद्धांत पावलाओ ने जो दिए हैं वो दिया है इनका।